हेलो सो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DSSB की तरफ से आज कुछ जो नोटिस आए हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल। पूरी वीडियो आने तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। पोस्ट कोड 44/13 है। वीडियो ये नोटिस आज ही आए हैं, देख सकते हो आप। 28 वीडियो कल आएगी, आप देख सकते हो टाइम। ठीक है, 10:49। ठीक है, यहाँ पे देख लेते क्या यहाँ पे डिटेल है पोस्ट कोड 44/13 के बारे में, जो कि फुट कॉन्स्टेबल मेल की थी। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे दो डिफरेंट कैंडिडेट मतलब अपेयर हुए हैं सिंगल पोस्ट के लिए। देख लेते हैं, देखो क्या कैंडिडेट नेम है, नवीन डबास। ठीक है, OBC कैटेगरी, OBC दिल्ली है। फादर नेम यहाँ पे 11 है, रोल नंबर वगैरह 11, कैंडिडेट एड्रेस 11। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स में देख लेते हैं। टू डिफरेंट पर्सन अपेयर अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेशन एप्लीकेंट फॉर पोस्ट कोड 44/13 इन अबव एग्जाम ऑन 27/6/2019, जब इनका रिटर्न हुआ था, एंड PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जब यहाँ पे इनका 2/5/2019 को हुआ था। यानी कि रिटर्न में तो अलग बंदा गया था एग्ज़ाम देने, और जो फिजिकल हुआ था उसमें अलग बंदा एग्ज़ाम देने गया था। अभी इसमें ये नहीं, ये मेंशन नहीं करा कि कौन से में असली वाला बंदा था। अभी ये भी नहीं पता कि बंदा ही दोनों में से कोई सा असली था या नहीं था, ये तो खैर इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, प्रोविजनरी सिलेक्टेड वाइज रिजल्ट नोटिस, इतना मतलब सिलेक्टेड हो चुके हैं पर ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो ज्वाइनिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, OBC कैटेगरी में है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिस आए। अब मैं आपको अगला नोटिस दिखा दूँ, सेम यही है, बस यहाँ पर क्या कैंडिडेट का नाम चेंज है। रोहित है, रोहित जनरल कैटेगरी का है, डेट ऑफ बर्थ 20/1 है। ठीक है, पापा का नाम ये है, रोल नंबर ये है। ठीक है, सेम वही है, टू डिफरेंट पर्सन अपेयर सिंगल पोस्ट। ठीक है, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था 26/6/1 तो हुआ था 27/6/2019, यहाँ पे इनका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, और जो PET हुआ था 29/4/2019, यहाँ पे इनका फिजिकल हुआ था। तो यार देख सकते हो आप भी एक बार देख लेना। 7 नोटिस है, मैंने केवल यहाँ पे आपको 3 दिखाए हैं, मैं सोच बाकी सब तो खैर सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लाइन है, बस कैंडिडेट के नेम चेंज है। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट फिर भी रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।